हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों से एक डेजर्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में उतनी ही स्वादिष्ट। इसका नाम है एप्पल बर्फी। सबसे पहले मैंने ये दो एप्पल लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये एप्पल को मैंने धो लिया है अच्छी तरह और अब इसको हम लोग कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे करके हमको इसको ऐसे करके हम लोगों को इसको कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ऐसे करके इसको पूरे को हमको दोनों को एप्पल को कद्दूकस अच्छी तरह कर लेना है। और इसको रखते जाना है एक प्लेट में। इसी तरह से हमको पूरे एप्पल को कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए, मैंने एप्पल को कद्दूकस कर लिया था और अब इसको हम लोग कढ़ाई में भूनेंगे। कलर इसका अलग है क्योंकि मैंने छिलके के साथ इसको कद्दूकस किया है। आप चाहें तो छिलका उतार के भी कर सकते हैं, लेकिन छिलके में बहुत ज़्यादा एप्पल के प्रोटीन विटामिन बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं छिलके के साथ ही इसको कद्दूकस की हूँ। अब इसको हम लोगों को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेना है ताकि इसका ज़रा मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए। लगातार चलाते हुए भूनना है इसको 3 से 4 मिनट। ये देखिए, 3 से 4 मिनट लगभग हो गया है और इसका काफ़ी हद तक मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो गया है। अब हम लोग इसमें कोकोनट पाउडर मैं 1 कटोरी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको धीरे धीरे चलाते हुए भून लेना है। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कटोरी शुगर। और अब स्लो फ्लेम पे हमको इसको भूनना है। बहुत हाई फ्लेम मत रखिएगा। इसको भी करीब हमको 5 से 7 मिनट तक भून लेना है। शुगर आपकी मेल्ट हो जाए तब तक इसको हमको भूनना है। शुगर पाउडर मैंने यूज़ नहीं किया है। शुगर को मेल्ट होने में 5 से 7 मिनट लगेगा और थोड़ा सा ये भून जाएगा। अब देखिए, कलर पहले स्टार्टिंग में जब मैंने डाला एप्पल का कैसा था, अभी देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। छिलके के साथ मैंने लिया था इसलिए थोड़ा रेडिश कलर था। ये देखिए, मॉइस्चर हम लोगों का बिल्कुल ख़त्म हो गया है, शुगर भी हमारी मेल्ट हो गई है। और अब इसको हम लोग निकाल लेंगे प्लेट में। गैस का मैंने बंद कर दिया फ्लेम, गैस ऑफ है। इसको हम लोग प्लेट में निकालेंगे जिसमें हमको जमाना है। इसको करीब हमको 4 से 5 घंटे तक फ्रीज में रख देना है। आपको जिसमें आप, अगर आपके पास ट्रे है तो आप ट्रे में रख सकते हैं, अगर आपके पास कोई बाउल है उसमें, मैं ये प्लेट ले रही हूँ जिसमें कि हम लोग इसको सेट करेंगे। ये देखिए, प्लेट पे मैंने इसको रख दिया है और अब इसके ऊपर थोड़े से मैं काजू के टुकड़े कट कर लिया था मैंने छोटे छोटे पीसेस में, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। आप पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अब हम लोग फ्रिज में रखेंगे करीब 4 से 5 घंटे तक फ्रीज होने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग बर्फ़ी कट करेंगे। ये देखिए, करीब 5 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, ये जमकर बिल्कुल तैयार है। अब हम लोग इसको बर्फ़ी की शेप देंगे।
ये देखिए बर्फ़ी मैंने पूरी तरह से कट कर ली है और ये एक पीस आपको मैंने निकाल के दिखा दिया है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये एप्पल बर्फ़ी। एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और ख़ुद भी खाइए, गेस्ट को भी खिलाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।